हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के दिन की शुरुआत हुई है बारिश के साथ। और फ्रेंड, दो दिन हो गए कंटिन्यूअसली बारिश हुए जा रही है, बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। और ऐसा किस किस के यहाँ पर हो रहा है कि बस दो दिन से बारिश हुए जा रही है। एक टाइम होता है ना कि मतलब एक समय पर ना सारी चीजें बुरी लगने लगती हैं, बस थोड़ी सी चीजें हो तब तक ठीक लगता है। बारिश ना, अतकी बारिश भी बहुत ज्यादा बुरी लगती है, और गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी होती है तब बुरी लगती है। ऐसे सर्दियों का है, जब बहुत ज्यादा सर्दी होती है, अतकी सर्दी पड़ती है तो वो भी बुरी लगती है। तो सेम यही चीज है। अब इसी कितने ज्यादा बारिश हो जा रही है, अब इससे मैं ना मेरे को बहुत ज्यादा, मैं कभी कभी चीजों को सोचती हूँ ना तो बहुत ज्यादा गंदा लगता है। जैसे हम लोग फिर भी ठीक है, घर में बैठे हैं, बंद घर है हमारा, ना कोई हमें प्रॉब्लम है, खाने को मिल जा रहा है, पीने को मिल जा रहा है, लेकिन जो पशु पक्षी हैं, बर्ड हैं, उन लोगों को कितनी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा होगा ना, कि ना तो उनको रहने का बसेरा है क्योंकि हवा इतनी तेज चल रही है तो कहाँ पे रहेंगे। बारिश नहीं ज्यादा हो रही है तो ना तो कहीं उड़ पा रहे हैं पक्षी वगैरह, ना उन्हें खाने को दाना मिल रहा है, कितना प्रॉब्लम हो रही होगी ना। ऐसे ही जो लोग मतलब पुल वगैरह के नीचे जो लोग रहते हैं और मतलब बहुत बेकार मतलब रहते हैं, वहां पानी भर जाता है, या फिर जो कि अभी भी गांव में बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जिनको प्रॉपरली चीजें नहीं है, तो उन लोगों को कितना बारिश का और इन सारी चीजों का सामना करना पड़ रहा होगा। बट कोई बात नहीं, हम क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि हम तो भाई बेरोजगार ठहरे कि हम इतने, ये भी नहीं कि हम उनकी थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं। बट कोई बात नहीं, कभी तो ऐसा दिन हमारी लाइफ में भी आएगा कि हम उन सारी चीजों को हेल्प कर पाएंगे, उन लोगों की जो चीजें हमारे मन में आती हैं, जिन सारी चीजों के बारे में हम सोचते हैं, उन सारी चीजों के लिए हम कुछ स्टेप उठा पाएंगे। कोई बात नहीं है। तो फ्रेंड, इन्हीं सारी चीजों के साथ फ्रेंड्स, फर्स्ट मेरा स्लॉट कंप्लीट हो गया था। और बारिश का मौसम हो, पकौड़े ना खाएं बेसन के, ऐसा कैसे हो ही सकता है फ्रेंड। तो आज सुबह मैं उठ गई थी अपनी स्टडी से, जो मैंने ब्रेक लिया था, तो अभी मॉर्निंग का समय है और मैं ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही हूँ, जिसमें अभी मैं बना रही हूँ बेसन के पकौड़े। बारिश हो रही थी बहुत ज्यादा, तो थोड़ा सा बनाने का मन था। वैसे हम मॉर्निंग में ना ब्रेकफास्ट बहुत लाइट ब्रेकफास्ट करते हैं, बहुत ज्यादा हैवी नहीं करते, क्योंकि मम्मी को ऑफिस जाना होता है तो वो डाइट लंच ही करके जाती हैं, हैवी खाना खा के जाती हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं करती इस वजह से। बट कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए। और इसी के साथ फ्रेंड्स, एक बात और आप लोगों से करनी थी कि आप लोग पूछ रहे थे कि जो मैं प्रैक्टिस सेट लगाती हूँ कि उसके लिए मैं अलग अलग सब्जेक्ट वाइज मतलब अलग अलग नोटबुक में नोट डाउन करती हूँ या फिर एक ही कॉमन नोटबुक है। तो मैं आपको बताऊं कि जो मैं प्रैक्टिस सेट जो लगाती हूँ यूट्यूब पर, उसके लिए मैं एक कॉमन नोटबुक लिए हुई हूँ, मोटी सी है काफी, उसी में मैं सारी चीजें नोट डाउन करती हूँ पॉइंट वाइज, जो मुझे पॉइंट लगता है कि हाँ न्यू है या फिर जिस चीज के बारे में मुझे मतलब पढ़ना हो, वो सारी चीजें नोट डाउन करती हूँ। क्योंकि प्रैक्टिस सेट में क्या होता है, काफी सारी चीजें ना बार बार रिपीट होती है, तो वो सारी चीजें मैं नहीं लिखती हूँ, लेकिन हाँ जो चीज मुझे लगता है कि हाँ नोट डाउन करना चाहिए वो मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। इसी के साथ फ्रेंड्स, जो मैं थ्योरी की क्लास लेती हूँ, आप लोगों को पता है कि मैंने पेड कोर्स परचेस किया हुआ है, तो उसकी मैं थ्योरी की क्लास लेती हूँ, तो उसके लिए मेरा सभी सब्जेक्ट की सब्जेक्ट वाइज मेरे पास नोटबुक है, तो वो मैं बिल्कुल प्रॉपरली फेयर, जैसे हम लोग स्कूल कॉलेज में फेयर नोटबुक बनाते थे ना, हर सब्जेक्ट की अलग ब्लैक पेन से हेडलाइन और कलर पेन से हेडलाइन और उसके नीचे जो उसका वो पूरा उसके जो भी संक्षिप्त में चीजें रहती थी उसके बारे में डिटेल में, वो सारी चीजें उस तरीके से मैं क्लास की नोटबुक में बनाई हुई हूँ। इसी के साथ फ्रेंड्स, काफी सारे लोग थे, चूंकि कॉमन एक क्वेश्चन था, बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा हुआ था कि आपने पेड कोर्स कहाँ से परचेस किया है, पेड कोर्स कहाँ से परचेस किया है, तो शायद उन लोगों ने मेरी वीडियो, पुरानी वीडियो मेरी नहीं देखी है पूरी, इस वजह से उन्हें नहीं पता। अदरवाइज मैं सभी वीडियो में, ज्यादातर मोस्टली मैं सभी वीडियो में बता ही देती हूँ कि मैंने चंद्रा क्लासेस जो यूट्यूब पर चैनल है वहां से मैंने ऑनलाइन कोर्स परचेस किया था, वो भी सन 2022 में, मेरा अभी का नहीं है, तो उसी पर क्लासेस चल रही हैं, तो मैं वहीं से अपने पूरे पूरे जो भी लेक्चर थे उन्हें मैं कंप्लीट कर रही हूँ, वहां से पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रही हूँ। और साथ ही साथ में जो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर जो प्रैक्टिस सेट भी कराते हैं यूट्यूब चंद्रा वाले ही, मैं उन्हीं से प्रैक्टिस सेट भी करती हूँ। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मेरी पढ़ाई कहाँ से और कैसे चल रही है अभी। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, शिक्षण कौशल और जीवन कौशल के लिए काफी सारे लोगों ने कमेंट किया था कि शिक्षण कौशल और जीवन कौशल हम कहाँ से कंप्लीट करें, कहाँ से पढ़ें। उसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि आप सबसे पहले जो DLED सेकेंड सेमेस्टर की जो बुक थी, क्योंकि मोस्टली सेकेंड सेमेस्टर में जो थी, जैसे कि प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास और शिक्षण कौशल करके ही एक हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में हमारी बुक हुआ करती थी, जो कि फर्स्ट पेपर ही हुआ करता था, है ना। तो इस तरीके की जो बुकें हैं ना, उन बुक को हमें एक बार
पढ़ लेना चाहिए पूरा, क्योंकि आप लोग को पता है कि अभी सुपर टेट में टाइम है, तो उस टाइम का हमें थोड़ा सा यूटिलाइज कर लेना चाहिए। तो जब एक बार हम वो बुक को पढ़ लेंगे तो उसमें हमें पूरी सारी चीजें मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा सुपर टेट का सिलेबस, जिसमें कि शिक्षण कौशल, जीवन कौशल में जो टॉपिक दिए हुए हैं वो प्रॉपरली हमें डीएलएड के जो सेमेस्टर थे उनमें हमें वो सब्जेक्ट मिला करते थे, सब्जेक्ट हुआ करते थे, फिर चाहे मूल्यांकन वाला हो, चाहे समावेशी शिक्षा हो, ये सारे सब्जेक्ट थे। तो उन सारी बुकों को अगर एक एक बार हम पढ़ लेंगे और उसके बाद हम यूट्यूब पर उन सारे टॉपिक्स के अगर हम वीडियोज देख लेंगे तो उनसे चीजें हमारी बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। अलग से हमें इसके लिए कोई बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर फिर भी अगर हमें कोई बुक लेने की जरूरत पड़ेगी तब मैं आप लोगों को बता दूंगी कि आप किस पब्लिकेशन की ले सकते हैं। अदरवाइज आप यूट्यूब पर वीडियो देख लेंगे और पहले उससे पहले अगर वो वाली बुक है आप लोग पढ़ लेंगे तो बहुत हद तक आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसी के साथ फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। तो मैं सारी चीजें कंप्लीट कर चुकी थी, जिसमें कि नहाना धोना, घर के सारे काम, वो सारी चीजें। उसके बाद अभी मैं कर रही थी प्रैक्टिस सेट, यूट्यूब से लगा रही थी। और आप लोग ये चीज सोच रहे होंगे कि 2 से 3 दिन हो गए जिसमें कि मैं जो पेड कोर्स से जो क्लासेस लेती हूँ वो आप लोगों को नहीं दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं बताऊं कि जिस फोन से मैं ये वीडियो शूट करती हूँ उसी फोन में वो ऐप है जो चंदा क्लासेस का, वो वाला ऐप उसी से है। तो मैं जब भी क्लास लेती हूँ तो उसी ऐप से, उसी फोन से लेती हूँ, जो कि मैं उसकी वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ। और अगर उसमें एक बार फोन मतलब आईडी लॉग इन कर लो, फिर अगर दूसरे वाले फोन में आईडी लॉग इन करो तो उसके लिए 1 घंटा लेता है। 1 घंटे बाद दूसरे फोन में हम लॉग इन कर सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। और फ्रेंड्स, बारिश का टाइम था तो मम्मी ने लिया हुआ था भुट्टा, और आज मम्मी भी ऑफिस से जल्दी आ गए थे क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हुई थी, 2 दिन थे बंद ही नहीं हो रही थी। तो फ्रेंड्स, काफी मैं 1 घंटा आराम से बारिश के मौसम में ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर है वहां पर हम लोग बैठे थे खिड़की के पास, जो कि बारिश का मजा लिया और हम लोगों ने भुट्टा वगैरह खाया। उसके बाद अभी टाइम हो रहा था, शाम के 4 बज रहे थे, बारिश अभी भी बंद नहीं हो रही थी। और आज बहुत ज्यादा हो गया ना मेरे ब्लॉग में बारिश 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 बारिश, बट कोई बात नहीं। तो फ्रेंड्स, अब बैठ गई थी मैं मैथ की क्लास लेने के लिए, और मैथ अभी मैं जो पेड कोर्स परचेस किया था मैंने वहीं से मैथ कर रही हूँ, और जो कि पवन सर से कर रही हूँ, काफी मुझे ठीक लगता है। और 2 घंटा मैंने मैथ कंप्लीट किया था, उसके बाद अब मैं, शाम का टाइम हो गया तो अब मैं बना रही हूँ चाय। इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। थैंक